कोविड-19 के दौरान नालंदा जिले में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बुधवार की देर रात अलग अलग थाना क्षेत्र इलाकों में तीन जगह चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहली घटना सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के जलालपुर मोहल्ले की है, जहां चोरों ने घर का ताला तोड़कर 14,000 नगद समेत 10 लाख की जेवर महंगे सामान के ऊपर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सोहसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पिछले महीने जो है सब लोग कोविड के चलते सब सेफ्टी के व्यू से घर के बाहर चले गए थे। ये भी दोनों व्यक्ति किराए पर रहते थे, जिसके कारण घर में नहीं रहने के कारण करीब ऊपर और नीचे दोनों फ्लैट में करीब 10 लाख का संपत्ति का चोरी हो गया है। कितने घरों में चोरी हुई है? ये इस घर में अभी तीन फ्लैट है, लेकिन दो फ्लैट किराया पर लगा हुआ था। दोनों फ्लैट के हिसाब से अभी जो दोनों लोग बता रहे हैं, दोनों के परिवार की करीब 10 लाख का संपत्ति का। घर में कौन है दोनों घर? अभी घर में कोई नहीं है, कोविड के कारण और होने के सेफ्टी व्यू से वो लोग अभी घर छोड़ चुके थे। और एक साइड नीचे में नौकरी में है, शायद तो अभी ऑफिस भी बंद रहने के कारण नहीं। और गुड्डू के हम यहाँ जैसे ही आए घर पर देखे कि ताला है जो बाहर का लगा हुआ है और अंदर का टूटा हुआ। उसके बाद अंदर फिर आए तो एक बच्चा से उसको खुलवाए, गेट अंदर से भी लगा दिया था वो। उसके बाद अंदर आए तो देखे कि मेरा गेट खुला हुआ है, दोनों रूम तीनों रूम खुला हुआ है। फिर आए तो देखे इन्वर्टर चालू करने के बाद कि गोदरेज टूटा हुआ है, गोदरेज में 4 लाख रुपए का सामान हमारे मलकिनी हमारे बाल बच्चे सब का था। आप लोग घर में नहीं थे क्या? नहीं, एक यहाँ से चले गए थे हम लोग हिलसा। किस लिए? यहाँ एक कोविड-19 से एक मृत्यु हो गई थी, उससे बचने के लिए हम लोग चले गए। कितना चोरी हुआ? दो घर में हुआ है जी सर। हाँ, कितने घर में हुआ? दो घर में हुआ, एक हमारे नीचे है, हमारे नीचे के ऊपर वाला फ्लैट में हुआ। कितना हुआ चोरी दोनों में? अभी तो हमारे यहाँ तो सर 4 लाख बता रहे हैं, ऊपर कितना हुआ तो हम तो नहीं बता सकते हैं।